चलते चलते मैं पहुंच गया वर्ल्ड्स बिगेस्ट ज्वेलरी स्टोर द जेम्स गैलरी पटाया। और ये है ऑलमोस्ट बैंकॉक पटाया बस टर्मिनल, नॉर्थ बस टर्मिनल के एकदम ऑपोजिट इस तरफ है रास्ता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग किया है और यहाँ पे वैट रिफंड भी है फॉर टूरिस्ट। तो चलो अंदर चलते हैं, इसको प्रेस करना होगा। कुछ यहाँ पे वेटिंग एरिया है, खाने पीने का है। बाहर काफी धूप है, थक गया हूँ मैं। यहाँ पे कुछ अपहोल्स्टरी है, बेड फॉर सेल, और ऊपर की तरफ चल के देखते हैं कि ये बेड्स तो हम यहाँ पे खरीदने वाले नहीं है, यहाँ से इंपोर्ट करना और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। वाओ, लुक एट दिस क्रेविंग। ज्वेलरी है यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल ज्वेलरी। इसमें प्राइस टैग है 1000 बात के आसपास है ये सब। ये कुछ शायद बर्निंग कैंडल्स है। ग्रेप्स के जिस डिजाइन के सोप है, ये 60 बात के है। ये रहे भगवान शंकर, पार्वती माता और गणेश जी। कोई भी आप लो 60 बात। वाओ, एकदम अंगूर के जैसा स्मेल है इसका, ब्यूटीफुल है। और ये रहा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसा स्मेल है। ये भी शायद सोप है। ये कुछ और देखते हैं, यहाँ पे सोप्स भी है फ्लावर डिजाइन के, अलग सा ही स्मेल है। यहाँ पे हर एक सोप का अलग अलग स्मेल है। वाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्मेल है यहाँ पे। ये तो रोज है इससे मैं समझ सकता हूँ, बाकी दूसरे अलग अलग डिजाइन के जो है थोड़ा यूनिक है। ये भी कुछ अलग सा स्मेल है। और ये रहा बनाना, इसमें बनाना का स्मेल होना चाहिए। ठीक वैसा ही लो। ओके, कुछ और ज्वेलरी भी है यहाँ पे। काफी बड़ा स्टोर है ये ज्वेलरी स्टोर का, आप देख सकते हो उस तरफ से लेके इस तरफ तक बड़ा सा एक स्क्वायर है। प्लस बाहर कुछ और है, फैंसी आइटम्स फॉर सेल है। और ये देखिए यहाँ पे ये रिंग्स है और इनकी प्राइस जो कुछ स्टार्ट होती है 3000 समथिंग, 3000 बात, 4500 बात। ये रहा कुछ 13000 का ये शायद, और ये 26000 का, 26000 बात। अमेजिंग मैन, आप देख देख के पागल हो जाओगे यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे आपको अपनी वाइफ के साथ आना होगा या गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन फिर आपका पॉकेट देखना पड़ेगा
क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है तो भाई 3,000 से स्टार्ट होता है और चॉइस ही चॉइस है, बहुत चॉइस है यहाँ पे। ये कुछ कड़ा भी है यहाँ पे बैंगल्स, और ठीक इसके अंदर ये फिश टैंक भी है। स्टोर इतना बड़ा है कि एम्प्लॉयज ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि स्टोर इतना बड़ा है, और होंगे शायद उतने, आज शायद वीक ऑफ भी होंगे। बड़ा सा स्टोर है ये, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं क्या दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। 18 कैरेट सिल्वर है ये सब, सिल्वर 14 कैरेट, और यहाँ पे आप रिफंड वैट रिफंड कर सकते हैं फॉर टूरिस्ट, तो अगर आपने इसके ऊपर कुछ वैट दिया है, मैंने समझो अगर 30,000 आपका बिल आता है उसमें आपका कुछ 5,000 वैट आता है कुछ लगभग, तो फिर वो आपको एयरपोर्ट पे रिफंड होगा। ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस, अब मेरी वाइफ तो है नहीं, अगर वो आती तो फिर कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे लेती। बड़ा सा ये स्टोर है, जैसा कि आपने मेन वहाँ पे पढ़ा होगा, पटाया बिगेस्ट जेम स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, या फिर शायद वर्ल्ड का भी होगा इतना बड़ा। ये था वर्ल्ड बिगेस्ट ज्वेलरी स्टोर, क्या ये दुबई से भी बड़ा है? नॉट श्योर, क्योंकि मैंने दुबई में भी ऐसा ज्वेलरी स्टोर देखा हुआ है मॉल में, और एक गोल्ड सूप बाज़ार भी है वहाँ पे। अब साइज़ मेजर करना होगा, पता नहीं, दे आर सेइंग दैट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट ज्वेलरी स्टोर, बट है इट्स बिग, वेरी बिग, बट इफ यू वॉन्ट टू कम एंड शॉप यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ मैं, और मैं पता नहीं किस अनजान जगह पे पहुँच गया। यहाँ पे ये फसिनो का शोरूम है जो बाइक्स रहता है, और यहाँ पे कुछ बैंक हॉस्पिटल, बैंकॉक हॉस्पिटल पटाया भी आया है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स करूँ और या फिर बैक साइड जाऊँ मैं। तो यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट सा भी है, चेक कर लेते क्या है।